उन्हें पता था कि इस बार अकेले नहीं जीता जा सकता, तो फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्त बुलाए हैं। एक दिल्ली से, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। वो झाड़ू लेके आए हैं, आपसे कहते हैं झाड़ू पकड़िए सफाई करिए, जबकि सच्चाई यह है कि असली कचरा वही भरा हुआ है। गुजरात है, यहां हिलाने पर पुल टूट जाता है, हिलाने पर पुल टूट जाता है। उधर लाशें बिछी थी, उधर टीवी चैनलों पर नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। तो आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी, कयादत कयादत कयादत, जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा, अमित शाह जी की दी हुई सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले लोग आपके हिमायती नहीं हो सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गुजरात का विकास सर चढ़ के बोल रहा है। मैं उस सूबे में खड़ा हूँ जहाँ चलती हुकूमत के बीच में मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। जब एक दिन में मोरबी में 135 लाशें बिछी थी, उस दिन इस देश का हाकिम गुजरात में मौजूद था और दिन में 3 बार कपड़े बदल करके हरी झंडी दिखा रहा था। जब उस शहर में 135 कफन सिले जा रहे थे, उस दिन हमारे देश का हाकिम हरी झंडियां दिखा रहा था, सरकारी कार्यक्रम कर रहा था। ये गुजरात है, यहाँ के हवा में व्यापार है साहेब, इसे आसानी से दिल्ली वाला मीडिया नहीं समझ सकता, मैं जानता हूँ। मेरे भाई, गुजरात इलेक्शन के मुहाने पे खड़ा है, आने वाली 5 तारीख को आपको ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं यहाँ आपसे बस थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ, थोड़ी सी सियासी बातचीत करने के लिए आया हूँ। हम यहाँ आए नहीं है सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। अहमदाबाद वालों, एक मुश्किल दौर में मुल्क गुजर रहा है, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि मुल्क संविधान से नहीं चलेगा बल्कि उनकी तानाशाही से चलेगा, उनकी मर्जी से चलेगा, वो जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। और दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा, ये मुल्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों से चलेगा, ये मुल्क मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में है, इन 2 विचारधाराओं के बीच की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। मैं पिछली बार आया था आपकी इस विधानसभा में, कई मीटिंग्स की थी मैंने, आपके सामने अपना दामन फैलाया था, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात मानी थी और गयास भाई को एमएलए बनाया था। मैं आज फिर आपके सामने दामन फैला के कहने के लिए आया हूं कि इस बार जो गुजरात की लड़ाई है वो बहुत अलग है, इस बार बहुत अलग है। 27 सालों का जो कुशासन है, जो बदहाली है, उसके खिलाफ पूरे गुजरात में गुस्सा है। जनता जमीन पर मौजूदा भाजपा की सरकार से नाराज है। मैं सोमनाथ से लेकर के जूनागढ़ से लेकर के अमरेली से लेकर के राजकोट से लेकर के सूरत होते हुए, भरूच होते हुए, गोधरा होते हुए, इस तरफ सिद्धपुर से लेकर के वड़गाम से लेकर के नंदासन होते हुए यहां आकर के आपसे ये कह रहा हूं कि टीवी चैनलों पर आपको भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देगी, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये कहने आया हूं, यहां बड़ी तादाद में जिधर नजर जा रही है लोग खड़े हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों में हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी माएं मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है मेरे भाई। ये जो मुल्क में नफरतों का माहौल बना हुआ है, मैं गुजरात में खड़ा हूं, पिछले 2 हफ्ते से पूरे गुजरात का दौरा कर रहा हूं। ये 27 साल में विकास, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात का विकास, इसका नारा लगाने वाली जो सरकार है उसका हर दावा झूठा है, खोखला है। पूरे गुजरात में सड़कों की हालत ऐसी है कि आप सफर करो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये है गुजरात के विकास का सच। देश के प्रधान अपने भाषणों में खड़े होकर कहते हैं
कि डबल इंजन की सरकार है। पिछले 8.5 साल से दिल्ली में भी है, 27 साल से गुजरात में भी है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे गुजरात में क्या है? यहां नौजवान साथी एग्जाम देने के लिए पेपर भरता है तो एग्जाम देने से पहले पर्चा लीक हो जाता है। 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस गुजरात में, इस सूबे में 22 बार अब तक पर्चे लीक हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गुजरात का विकास सर चढ़ के बोल रहा है। मैं उस सूबे में खड़ा हूं जहां चलती हुकूमत के बीच में मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। जिस मुख्यमंत्री को बदला गया उसे भी नहीं पता उसे क्यों हटाया गया, और जो नए वाले बनाए गए उन्हें भी नहीं पता कि क्यों बनाया गया। विजय रूपानी जी को आज तक नहीं पता कि क्यों हटाया गया, और नए वाले पहला सूबा है पूरे देश में जहां मुख्यमंत्री का नाम ग्रामीण में लोगों को पता नहीं है। मैं उस गुजरात में खड़ा हूं, मैं मोरबी होके आया हूं, मैंने देखा है 135 से ज्यादा लाशों का दर्द आज भी उस शहर के माथे पर बोल रहा है। मैं उस शहर से होकर के आया हूं, मैंने वहां लोगों से बात की है, तब मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि आपको याद होगा वो दिन कि जब एक दिन में मोरबी में 135 लाशें बिछी थी, उस दिन इस देश का हाकिम गुजरात में मौजूद था और दिन में 3 बार कपड़े बदल करके हरी झंडी दिखा रहा था। आपको याद है वो लम्हा जब उस शहर में 135 कफन सिले जा रहे थे, उस दिन हमारे देश का हाकिम हरी झंडियां दिखा रहा था, सरकारी कार्यक्रम कर रहा था। यहां का गुजरात सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के, यहां का विकास, ये गुजरात है, यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है, हिलाने पे पुल टूट जाता है। उधर लाशें बिछी थी, उधर टीवी चैनलों पर नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा करके ट्रेन रवाना करते हैं, वंदे भारत, ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से टकराती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां सरकार सड़क बनवाती है, मंत्री उद्घाटन करते हैं, सड़क पर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर दावा, हर नारा, विकास की हर बात झूठी है। उसी तरह से जिस तरह लाल किले से खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, लंबी लंबी बातें करते हैं, और उसी बातचीत के दौरान अगले 2 घंटे बाद उन्हीं के सूबे में गुजरात में भारत की एक बेटी बिल्किस के गुनहगार 11 बलात्कार के आरोपी सरकारी शह पर रिहा कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री का नारा कितना झूठा है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो बचपन से पढ़ता रहा हूं संस्कृत का एक सूत्र वाक्य कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन ये कैसा भारत बना दिया गया है जहां नारियों की नहीं बल्कि नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है और देश के प्रधानमंत्री चुप है, एक शब्द नहीं है उनके पास बोलने के लिए। आने वाली 7 दिसंबर से देश की पार्लियामेंट शुरू हो रही है। मुझे ताकत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं देश के हाकिम के सामने खड़ा होकर के उनकी आंख से आंख मिला करके उनसे पूछूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सच क्या यही है कि भारत की एक बेटी बिल्किस अपने गुनहगारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे खड़ी है और आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है? दरियापुर वालों, अहमदाबाद वालों, भारतीय जनता पार्टी इस बार परेशानी में है, इस बार परेशानी में है। पिछली बार भी हारते हारते रह गई थी भाजपा, सरकार बनते बनते रह गई थी कांग्रेस पार्टी की। मोदी जी को पानी में जहाज उतारना पड़ा था, देखा था कि नहीं आप लोगों ने, कर्तव्य दिखाने पड़े थे तब जाकर के किसी तरह उनकी सरकार बन पाई थी। तो उन्हें पता था कि जमीन पर कांग्रेस बहुत मजबूत है, यहां लड़ाई सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस है, ये भाजपा जानती है, उनका इंटेलिजेंस जानता है। उन्हें पता था कि इस बार अकेले नहीं जीता जा सकता, तो फिर उन्होंने अपने कुछ दोस्त बुलाए हैं,
एक दिल्ली से, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। वो झाड़ू लेके आए हैं, आपसे कहते हैं झाड़ू पकड़िए सफाई करिए, जबकि सच्चाई यह है कि असली कचरा वही भरा हुआ है। मैं दिल्ली रहता हूं, मैंने देखा है अरविंद केजरीवाल का सच, मैंने देखा है कि दिल्ली दंगों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने होठों को न जाने कौन से फेविकोल से चिपका के बंद कर लिया था। एक लफ्ज नहीं बोले थे केजरीवाल साहब। मरकज के खिलाफ कोरोना में FIR करना था तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने करके कहा था कि मरकज पर FIR कराओ। आज वो आपके बीच में खड़े हैं। अभी उनके उप मुख्यमंत्री आए थे मनीष सिसोदिया, उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आप बिल्किस के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा हम बिल्किस पर क्यों बोलेंगे। किसने कहा? आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM ने ये बात कही कि हम बिल्किस पर क्यों बोलेंगे। यहां जो लोग बैठे हैं, यहां तमाम ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं जो मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, तमाम ऐसे भी दोस्त मुझे सुन रहे होंगे जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। मैं उनसे भी मुखातिब होकर के बस एक बात कह रहा हूं, यहां गयासुद्दीन बैठे हैं, आपके MLA हैं, आपके लगाए हुए दरख्त हैं, आपके लगाए हुए पौधे हैं। दरियापुर वालों एक बात हमेशा याद रखना कि जो दरख्त आप खुद लगाते हैं उसे काटा नहीं जाता है, उसे छांटा नहीं जाता है, उसे ताकत दी जाती है, उसे पानी दिया जाता है ताकि वो फले फूले। मैं आपसे आज ये कहने आया हूं कि हो सकता है गयास भाई से किसी बात की नाराजगी हो, कभी आपका फोन ना उठा पाए हो, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि इसी लम्हे हमारे बीच खड़े हो जाए और कहीं बाहर रहे हो ना खड़े हो पाए हो, लेकिन एक बात याद रखना दरियापुर वालों कि जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना पड़ता है। इस बार आपका मकसद बड़ा है, इस बार आपका मकसद एक विधायक दो विधायक जिताना नहीं है बल्कि गुजरात के सत्ता परिवर्तन का मकसद है। और आज पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। मैं यहां मीडिया के साथियों की मौजूदगी में कह रहा हूं कि भाजपा गुजरात से हारने जा रही है। अगर हारने न जा रही होती तो आज नरेंद्र मोदी जी को 50 किलोमीटर का अहमदाबाद में रोड शो ना करना पड़ता। मेरे भाई हारने जा रही है। मीडिया के साथी आपको शायद ना दिखाएं क्योंकि इनका तो काम है कि किसी भी तरह से कैसे मोदी जी खुश रहें, मोदी जी खुश रहें, मोदी जी खुश रहें। एक सूत्री कार्यक्रम है, उसके लिए जो भी करना पड़े, ये तो हमारे जो खुद से YouTube पे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो अपनी मर्जी से अपने दम से पत्रकारिता कर रहे नौजवान साथी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन वो जो बड़े टीवी चैनल बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठ करके AC कमरों में बैठ के पत्रकारिता करते हैं, उन्हें गुजरात नहीं समझ में आएगा। ये गुजरात है, यहां के हवा में व्यापार है साहेब, इसे आसानी से दिल्ली वाला मीडिया नहीं समझ सकता। मैं जानता हूं वो दरियापुर का एक लड़का इंटरव्यू देने गया तो एग्जामिनर ने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल से जा रहे हो और सामने शेर आ गया तो क्या करोगे, तो उस लड़के ने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो एग्जामिनर को फंसाना था उसको, उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे, तो लड़के ने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो एग्जामिनर ने कहा यार तुम कमाल हो, तुम हर जगह पेड़ ला देते हो। तो लड़का दरियापुर का था, उसने भी कहा कि कमाल है, आप ही तो हर जगह शेर ला दे रहे हो, अगर आप ले आओगे तो हम उसी तरह से जवाब देंगे। मेरे भाई इस बार लड़ाई बहुत अहम है। मैं आपके बीच में दामन फैला के ये कहने आया हूं कि बटने का नुकसान क्या होता है हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, जाइए बिहार वालों से पूछिए बटने का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है। अभी चंद दिनों पहले, महीने भर पहले एक सीट पर बाई इलेक्शन था। आप सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, उठा लेना यूट्यूब, उठा लेना फेसबुक और सर्च मार लेना, गोपालगंज एक विधानसभा में बाई इलेक्शन था। आप जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का प्रत्याशी कितने वोट से हारा? 1700 वोट से। और कयादत का नारा लगाने वालों ने कितना वोट काटा पता है? 12000। तो आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी,
कयादत कयादत कयादत, जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में बंटने पर नुकसान किसका होगा ये आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां खड़ा होकर के अपनी नई नस्लों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि गुजरात का इलेक्शन जिस मुहाने पर खड़ा है वहां आपके पास कोई नया झंडा उठाने का वक्त नहीं है। मैं जानता हूं हमारे लोगों को नया झंडा उठाने में बहुत मजा आता है, आप चाहते हैं कि कोई नया झंडा हाथ में आए, लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर है कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अमित शाह जी की दी हुई सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले लोग आपके हिमायती नहीं हो सकते। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरी उम्र बहुत कम है, मैंने कहा ना मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेटे की तरह हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं भाई की तरह हूं, लेकिन एक बात आप ये जानते हैं कि मैं सियासत में पिछले 3 साल से हूं, इससे पहले की जो मेरी जिंदगी है वो आपके सामने है। खुदा ने मुझे एक हुनर दिया, खुदा ने मुझे ताकत दी, मेरे कलम को ताकत बख्शी, तो मैंने अपने कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं किया। मैंने नजीब की मां के आंसुओं को अपनी नज्मों में जगह दी, मैंने पहलू खान की मां के आंसुओं को अपनी नज्मों में जगह दी। जब जरूरत पड़ी तो मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर।